अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही मज़े की और स्पेशल वीडियो है, और मेरा बाबा वादा निकाल रहा है कि बाबा मुझे उठाए, मैं इधर आपसे बात कर रहा हूँ ना। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे जो कि मेरी प्यारी भांजी की है और वो यूके में रहती है। तो उसने मुझे कहा कि मामू मैं अपनी बर्थडे को इधर यूके में सेलिब्रेट करूँगी, तो आप मेरी बर्थडे को पाकिस्तान में सेलिब्रेट करना। अगर ठीक है मामू जी, तो फिर आज चलते हैं सिटी, वहाँ से मज़ेदार बड़ा सा और ख़ूबसूरत केक लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत केक होगा ना बेकरी में, वही केक हम लेंगे, और बलून वगैरह भी लेते हैं और बर्थडे का जो भी सारा सामान है वो लेते हैं, कैंडल वगैरह। तो हमारी जो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होगी, और जो केक है वो मेरा छोटा बेटा काटेगा, तैमूर मुस्तफ़ा। तो बहुत ही मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, तो हमारे साथ साथ जुड़े रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें मेरी भांजी के लिए कि अल्लाह पाक उसका अच्छा नसीब बनाए, हमेशा सलामत रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, आमीन। तो अब चलते हैं सिटी, जाके सामान लेकर आते हैं और फिर तैयारी करते हैं केक को काटने की। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, बहुत ही मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। वैसे मैंने रूम को डेकोरेट कर लिया है, बैलून लगा लिए हैं और ये हैप्पी बर्थडे वाला जो लिखा हुआ था ये भी लगा लिया है। और अब मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है, क्यूट सा प्यारा सा बेटा। पापा देखें, ये बैलून के साथ खेलो पापा, ये पकड़ता इसके हाथ नहीं आते। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा डेकोरेटिव हो गया है सारा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अब आए बाबा जी की बाबा बाबा के कपड़े लगा बाबा बाबा क्या पापा जी चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं और केक काटते हैं। पापा फूंक मारो, पापा बिस्मिल्लाह पढ़ के केक काटते हैं। बिस्मिल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। देखिए जी बाबा केक खाओ, केक खाओ मेरा बेटा। बस इसको अब दूर रखता हूँ, इसने केक खराब कर दिया था पिछली बार। हैप्पी बर्थडे नबिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे नबिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, 100 साल जियो, हमेशा खुश रहो, और अल्लाह पाक आपका अच्छा नसीब बनाए, अल्लाह पाक अनाया का भी अच्छा नसीब बनाए, अल्लाह पाक हर बहन बेटी का अच्छा नसीब बनाए, आमीन।
क्या है यार, ये लो ये लो ये लो ये लो, अब ठीक है ये लो बस। नहीं नहीं बाबा, ये कह रहे हैं मुझे ऊपर उठाओ, केक में से ने हाथ मारना है। ये अब केक काटते हैं, ये मेरा कजन इसको भी देते हैं, सारा हो जाते हैं। और बाबे को कहता था इसके अम्मी के पास भेजता हूँ। जाओ लंगर पानी चलती तो जी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है कि आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा। ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि इस बार हमारे साथ दादी अम्मा नहीं थी। पिछली बार जब हमने अनाया कि बर्थडे सेलिब्रेट की थी ना, तो उस वक्त हमारे साथ मेरी दादी अम्मा थी, तो अब दादी अम्मा नहीं है। अल्लाह पाक दादी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दादी अम्मा हर खुशी गमी के मौके पर याद आती हैं, हर वक्त दिन रात दादी अम्मा बहुत याद आती हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी दादी अम्मा को, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमाए, आमीन। तो अपने आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड, एक बार फिर हैप्पी बर्थडे नबिया, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। अब खुश हो मेरी प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया। तो अपने आज के व्लॉग यहीं करते हैं एंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।